और एक लाचार औरत पर जुल्म तुझे करने नहीं देंगे हम। कुछ चाहता है या नहीं? नहीं। बस करो, ये खून खराबा मत करो, रब दे वास्ते मत करो ये सब। अंबाजी ने बचा लिया है तुझे, वरना छोड़ता नहीं। और शुक्र मना रब दा और अंबाजी का। लोगों के लिए खाना लेकर आया था। लीजिए। वैसे अंबाजी, वो मूछों वाली बात मैंने सही कही ना जगन को? जी हाँ। अच्छे लगते हैं। और असली मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है। शेर पुत्रो चलो। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।